दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि कांच का इस्तेमाल भारी मात्रा में अलग अलग चीजों में किया जाता है, लेकिन इसकी बात तब अलग हो जाती है जब कांच का सामना डायरेक्ट खतरनाक जीवों से होता है, फिर चाहे वो शेर हो, गोरिल्ला हो या फिर पोलर बेयर। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं इन जंगली जानवरों और कांच की लड़ाई में किसकी जीत होती है, क्योंकि दोस्तों आज का ये वीडियो वाकई इंटरेस्टिंग होने वाला है, जहां आप जानवरों के कुछ ऐसे रिएक्शन देखेंगे जिनमें अगर कांच ना होती तो ये रिएक्शन हादसे में बदल चुके होते, और ये कैसे होता है वो तो आपको वीडियो देखने के बाद ही पता चलेगा। द लायन वेट्स फॉर द किड टू टर्न अराउंड। अब दोस्तों, ये बात तो हम सभी अच्छे से जानते हैं कि शेर कितने खतरनाक होते हैं, और जब बात बच्चों की आती है तो ये डायरेक्ट उन्हें अपना खाना ही समझते हैं, लेकिन ये किस तरह के शिकार करते हैं वो भी आप यहाँ पर देख लीजिए, क्योंकि जब तक ये बच्चा शेर की तरफ देख रहा था तब तक तो शेर शांति से दूर बैठा हुआ था, लेकिन जैसा ही बच्चा ये टर्न करता है शेर तुरंत उस पर झपट्टा मारता है। वो तो खुशकिस्मती से इन दोनों के बीच ग्लास पैनल आ जाता है और ये बच्चा बच जाता है, वरना जिस हिसाब से शेर ने इस बच्चे पर झपट्टा मारा था हमें तो नहीं लगता कि इस बच्चे को कोई भी बचा सकता था। हालांकि इससे एक बात तो साफ है, जब कभी भी शेर आपके सामने हो तो उसकी तरफ पीठ ना करें, वरना तो आप अंजाम देख ही सकते हैं। टेरिफाइंग थिंग। दोस्तों, ग्लास पैनल उन जानवरों को देखने के लिए बहुत बढ़िया होते हैं जो पानी के अंदर रहते हैं, क्योंकि कांच से उनका व्यू बहुत ही अच्छा दिखाई देता है, लेकिन आप ग्लास पैनल के बाहर खड़े होकर ये नजारा देखते सुरक्षित होंगे या नहीं ये तो हम आपको नहीं बता सकते, क्योंकि अगर आप इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे तो हम यहाँ साफ साफ देख सकते हैं कि कैसे बच्चा पोलर बेयर को देख रहा है, लेकिन भालू की सबसे बड़ी प्रजाति ने तो इस बच्चे पर हमला करने की ठान रखी थी। ऐसे में जब ये बच्चा पोलर बेयर को देख रहा था वैसे ही तुरंत पोलर बेयर उछलता है और इसकी तरफ झपट्टा मारता है, और ग्लास पैनल से उसका हाथ और मुंह लड़ जाता है, जिससे बच्चा भी काफी डर जाता है, क्योंकि इसे पता था कि अगर बीच में कांच ना होती तो आज ये भी नहीं होता। दोस्तों, ये बकरी ऐसा इसलिए कर रही है क्योंकि इसने पहली बार ये ट्रांसपेरेंट ग्लास पैनल देखा था, और इसी वजह से ये इसके प्रति क्यूरियस थी, जिस कारण इसने इस कांच पर इतनी बार अपने सींग मारे कि कांच में क्रैक हो गया और उसमें कई जगहों पर स्क्रैच भी पड़ गए। ऐसे में बकरी के सींग और कांच की इस लड़ाई में जीत सींग की हुई। मंकी ब्रेक्स ग्लास। दोस्तों, अभी अभी आपने देखा कि किस तरह बकरी ने अपने सींग से कांच में क्रैक कर दिया, लेकिन अब हम आपको जिस बंदर से मिलवाने वाले हैं उसने तो पूरा का पूरा कांच ही तोड़ दिया, और उसे इस बंदर ने अपनी ताकत से नहीं बल्कि अपने दिमाग से तोड़ा, क्योंकि इस कांच को तोड़ना इस बंदर के बस की तो बात नहीं थी, पर इसने दिमाग लगाते हुए अपने हाथ में एक बड़ा सा पत्थर उठाया और उससे बार बार कांच पर मारना शुरू कर दिया, जिससे कुछ वार के बाद ही कांच पूरा चकनाचूर हो गया। सबसे मजेदार बात तो यह है कि ये छोटा सा बंदर कांच तोड़ने के बाद खुद ही डर जाता है और उस जगह से दूर भाग जाता है, जो कि काफी क्यूट मोमेंट था। वॉच द टाइगर। अच्छा दोस्तों, जानवरों के साथ फोटो क्लिक करवाना भी एक अलग ही फैशन बन गया है ना। नहीं नहीं, हम आपको चिढ़ा नहीं रहे हैं, हम तो बस यही बता रहे हैं कि ये जनाब यही करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि ये टाइगर के केज के सामने खड़े होकर बिंदास पॉकेट में हाथ डालकर फोटो क्लिक कराने चले थे, लेकिन शायद ये बात टाइगर को कुछ पसंद नहीं आई, तभी तो वो तुरंत आया और पीछे से उस शख्स पर झपट्टा मारने लगा, जिसकी वजह से पूरा का पूरा कांच वाइब्रेट हो गया, और ऐसा होते देख ये जनाब भी डर गए। हालांकि बाद में भले ही अपने को कूल दिखाएं, लेकिन इनके अंदर की हार्ट बीट कितनी तेज होगी वो खुद ये जानते हैं। वैसे दोस्तों, क्या आपकी हार्ट बीट किसी जानवर के अचानक आ जाने से तेज हुई है? क्योंकि हमें तो कुछ जानवरों से वाकई में डर लगता है। बाकी आप किस जानवर से सबसे ज्यादा डरते हैं उसका नाम कमेंट में तो बता दो। मंकीज कैन बी जर्क्स। दोस्तों, अब आप इस वीडियो पर नजर डालिए जहां एक फैमिली लोकल जू में पहुंचती है, लेकिन तभी उन्हें ग्लास पैनल के पीछे एक फीमेल मंकी यानी बंदरिया दिखती है,
जिसे तंग करने ये लोग यहाँ पहुंच जाते हैं। और फिर इन लोगों ने जो तंग करना शुरू किया उसका तो क्या ही कहें। दोस्तों जैसा कि आप खुद ही देख सकते हैं कि किस तरह ये लोग बार बार कांच पर हाथ रख कर इस बंदरिया को तंग कर रहे हैं। वैसे हम आपको बता दें कि इस बंदरिया के अंदर इतनी ताकत थी कि ये आराम से इस कांच को तोड़कर इन्हें सबक सिखा सकती थी, लेकिन वो तो इन मोहतरमा की किस्मत अच्छी थी कि बंदरिया ने ऐसा कुछ नहीं किया, क्योंकि उस वक्त बंदरिया ने अपने बच्चे के बारे में सोचा और अंदर ही बैठकर गुर्राने लगी। ऐसे में दोस्तों ये वीडियो हमें ये सीख जरूर देती है कि जब कभी भी आप जानवरों के पास जाएं तो उन्हें वो इज्जत दें जो वो डिजर्व करते हैं, ना कि उन्हें खिलौना समझकर उनके साथ खेलना शुरू कर दें। तो दोस्तों हमें पूरी उम्मीद है आपको अपने होस्ट और दोस्त सैम की इस वीडियो में काफी मजा आ रहा होगा। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक करते चलिए ताकि फ्यूचर में इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोस हम लाते रहें। शार्क ब्रेक्स इनटू घोस्ट केस। दोस्तों खूंखार जानवरों के ऊपर रिसर्च करना काफी मुश्किल भरा काम है, फिर चाहे वो पानी वाले जानवर हो या फिर जमीन पर रहने वाले, क्योंकि इनके इलाके में जाकर उनके बारे में पता लगाना मतलब अपनी मौत को न्योता देने के बराबर है। लेकिन हाँ, कुछ लोग ऐसा करने के लिए अलग अलग तरह के हथकंडे अपनाते हैं। जैसा कि इस जगह पर डाइवर ने एक मजबूत कांच के पैनल के अंदर पानी में एंट्री ली ताकि वो शार्क के हमले से बचे रहे और अपनी रिसर्च भी कर लें। लेकिन तभी शार्क आई और लगातार इस कांच के चक्कर लगाने लगी। लेकिन हद तो तब हो गई जब एक शार्क इस कांच के अंदर जाने का रास्ता ढूंढ रही थी। वो तो इस शख्स की खुशकिस्मती थी कि शार्क ऐसा करने में नाकामयाब रही, वरना शार्क के हमले से मारे जाने वाले लोगों की संख्या वैसे भी बढ़ती जा रही है, उसमें एक और एडिशन हो जाता। टाइगर एंड द ग्लास। अब आप इस वीडियो को देखिए जिसमें कोई और नहीं बल्कि खूंखार टाइगर है, जहां इस टाइगर का मूड बिल्कुल भी सही नहीं लग रहा। पता नहीं मूड इस शख्स की शक्ल देखकर खराब हुआ है या फिर भूखे रहने की वजह से, क्योंकि दोनों ही सूरतों में यह टाइगर इस शख्स पर ही हमला करना चाहता है, जिस वजह से ये पहले तो अपनी पूरी कोशिश करता है कि कैसे इस जगह से बाहर निकला जाए। और इस टाइगर की उत्सुकता तो आप देख ही सकते हैं कि किस तरह लगातार इस शख्स के पीछे पड़ जाता है। यहाँ तक कि जब ये शख्स आराम से पीठ घुमाकर बैठा होता है तो भी टाइगर को चैन नहीं पड़ता। वैसे तो इस ग्लास ने आराम से बैठे इस शख्स को बचा लिया, वरना टाइगर आज इसकी पूरी खोजबीन कर देता। Oh my God। जी हाँ दोस्तों, ये वीडियो क्लिप वाकई में हैरान करने वाली है, जिसे देखकर आपका ओ माई गॉड निकल ही जाएगा। क्योंकि अगर आपको लगता है कि एक प्रोटेक्टिव बैरियर आपको खूंखार और ताकतवर गोरिल्ला से बचा लेगा, तो आप हर बार सही नहीं हो सकते। क्योंकि जिस हिसाब से इस गोरिल्ला ने पूरी प्लानिंग करके इस कांच के पैनल पर कूदने की कोशिश की, उसे देखकर तो ऐसा ही लगता है कि अगर एक दो बार और इसी तरह से ग्लास पैनल के ऊपर गोरिल्ला कूदता तो जितने भी लोग बड़े आराम से इस गोरिल्ला को देख रहे हैं उन सबकी हालत खराब हो जाएगी। क्योंकि पहले तो ये सभी लोग ग्लास बबल के जरिए इस गोरिल्ला को देखते हैं और गोरिल्ला भी इन लोगों की तरफ बड़े ध्यान से देखता है, जिसे देखकर समझ में ही नहीं आता कि कौन किसे देख रहा है। और थोड़ी देर बाद गोरिल्ला का दिमाग ऐसे सनक जाता है कि वो तुरंत उस कांच के ऊपर जोर से वार करता है, जिसे देख वहां के लोग वाकई में डरकर भाग निकलते हैं। वाइल्ड पोलर बेयर ट्राइज टू ब्रेक इन। अब तक आप देखते आ रहे हैं कि किस तरह ह्यूमन ग्लास पैनल के जरिए जानवरों से रूबरू होते हैं, लेकिन जब बात इनके इलाके में जाकर इनसे मुलाकात करने की होती है तो चीजें इतनी आसान नहीं होती, क्योंकि वहां तो आपके लिए ग्लास पैनल लगा नहीं होता, सब कुछ खुला खुला होता है। लेकिन इसका भी कुछ लोग जुगाड़ ढूंढ ही लेते हैं ताकि ये वाइल्ड एनिमल्स के साथ समय बिता सके। जैसा कि इस कैमरामैन ने पोलर बेयर को कैप्चर करने और उसके ऊपर लगातार रिसर्च करने के लिए एक अलग तरीका का ग्लास पैनल बना लिया और बड़े आराम से उसमें बैठ गए। लेकिन तभी एक वाइल्ड पोलर बेयर आया और अंदर बैठे इंसान को अपना भोजन समझकर ऐसे इस कांच के पैनल के ऊपर झपट्टा मारने लगा जैसे उसने कभी इंसान देखा ही नहीं हो। लेकिन बदकिस्मती से एक ग्लास पैनल वाकई बहुत मजबूत था, जहां इस गोरिल्ला की इतनी सारी कोशिशों के बाद भी ये टूटा नहीं और फोटोग्राफर को गोरिल्ला की शिकार करने के तरीकों के बारे में काफी कुछ पता चला। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही है। आपको हमारी वीडियो तो पसंद आई होगी, अगर हाँ तो सबसे पहले इस वीडियो के बारे में हमें कमेंट करके बताइए और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस लगातार देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद। Давай!